पार्ट थर्ड। सो गाइस, पार्ट वन और पार्ट टू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज ये वीडियो का थर्ड पार्ट चल रहा है, सो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले मैंने टैल्कम पाउडर थ्रेडिंग के ऊपर और नीचे फैला लिया है और थ्रेड की कैची बनाते हुए मैं ऊपर के जो हेयर्स रिमूव करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर्स ही हमें यहाँ हटाने हैं, मैनली हेयर्स यहाँ बिल्कुल भी नहीं छेड़ने। तो इस तरह करके ऊपर के हेयर्स हटाते हुए मैं थ्रेडिंग को बना लेती हूँ। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से थ्रेडिंग को मैंने अच्छे से स्ट्रेच करा लिया है और एक्स्ट्रा हेयर्स हटाते हुए मैं इसमें शेप देते हुए आगे बढ़ रही हूँ और इसको एक्स्ट्रा हेयर्स पूरे हटा देती हूँ और इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे चैनल पे ये पहली ऐसी वीडियो है जिसको मैं 5 पार्ट तक मैं इसको कंप्लीट बना के भेजूंगी और ये रिक्वेस्ट आपकी, ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो बनी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और जो थ्रेडिंग से रिलेटिव लोगों के पास ही, जो थ्रेडिंग देखना पसंद करते हो, तो उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना ताकि इसको देखने के बाद उन्हें हेल्प हो सके या मेरी वीडियो से उन्हें कुछ नॉलेज मिल सके। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक पहुँचाने की आप प्लीज़ कृपा करें। तो लीजिए, एक तरफ की जो थ्रेडिंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, दूसरी तरफ की थ्रेडिंग हमारी चल रही है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट थ्रेडिंग बनाने में लिया था, एक्स्ट्रा हेयर हटाते हुए हमें ऊपर की थ्रेडिंग क्लीन कर लेनी है। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नीचे जो ऑल का बटन है उससे भी दबा के प्रेस कर लेना। ऐसा करने से मेरी जो रोज़ाना की न्यू नोटिफिकेशन वीडियो की होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, आपको वो सबसे पहले मिल जाएगी। सो अदर मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उससे भी ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप देख ले कि आपने सब्सक्राइब बटन के साथ ऑल का बटन प्रेस किया है या नहीं किया। अगर आपने ऑल का बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ ऑल का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे, आपको करंट में पहुंचती रहे आपके पास। तो आप ऑल का बटन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, अब नीचे की जो थ्रेडिंग हमारी बन रही है तो आप इसमें देख सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर्स मैंने लगभग हटा लिए हैं और एक्स्ट्रा हेयर्स हटाने के बाद अब हम फाइनली फिनिशिंग पर बढ़ते हैं। फाइनली फिनिशिंग के लिए ओनली मैंने ऊपर से थ्रेडिंग को स्ट्रेच कराया हुआ है और आगे की तरफ से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उनको मैं हटाती हूँ, एक क्लियरली शेप दूंगी जो कि थ्रेडिंग के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है, ये मेन वाली शेप। सो गाइस, मेरे चैनल पर आईब्रो थ्रेडिंग की काफ़ी वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई है, अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं, उनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, उनके अंदर भी मैंने काफ़ी बारीकी से थ्रेडिंग बनाने को बताया हुआ है, काफ़ी तरह से मैंने उनको समझाने की कोशिश की हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो थ्रेडिंग हमारी बन चुकी है, अब चल रही है फॉरहेड हमारी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टैल्कम पाउडर फैलाया हुआ है और मैंने थ्रेड की कैची बना के हाफ जो फॉरहेड के हेयर्स है पहले उनको क्लीन किए हैं, आप देख सकते हैं जो धागे की चलाने की स्पीड है वो थोड़ी मेरी यहाँ पर तेज़ है और इस तरह करके मैं हाफ फॉरहेड के हेयर्स क्लीन कर लेती हूँ। अब आते हैं हम सेकंड तरफ, तो यहाँ पर भी हम हाफ जो हमारे बचे हेयर्स हैं उन्हें भी धीरे धीरे करके फॉरहेड को क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फुल फॉरहेड है इस प्रोसेस से कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है।
आपको जहाँ भी हेयर्स लगे तो आप उन्हें थ्रेड की हेल्प से हटा दीजिए। थोड़ी सी स्पीड आप तेज रखिए यहाँ पर, तो ज़्यादा हेयर्स इनके फॉरहेड पर नहीं है, लेकिन फिर भी हल्के हल्के हेयर्स स्किन पर होते हैं, वो थ्रेड की हेल्प से निकल जाएंगे। तो आप इसी प्रोसेस से फॉरहेड क्लीन कीजिए। और अब जो बिंदी वाली जगह है वहाँ से हेयर्स मैंने हटाए नहीं थे, तो वहाँ से हेयर्स हट रहे हैं। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इस पर फुल फेस हेयर रिमूव हुए हैं, तो मैंने पूरा वर्क इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी स्पीड को नहीं बढ़ाया हुआ है। जैसी वीडियो बनाई है वैसी मैंने कैमरे में कैच करके आपको, आप देख रहे हैं उस वीडियो को। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना और इसे बिल्कुल भी बीच में स्किप करके ना देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग में ही इसे बंद करके जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे पूरी देखिएगा। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो बनाने के लिए गाइस हमें भी बहुत मेहनत लगती है, तो इतना तो बनता है कि आप वीडियो को पूरी देखें। तो गाइस, फॉरहेड क्लीन होने के बाद अब हम अपर लिप्स पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट हैंड की तरफ से जेब से स्टैचिंग कराई हुई है और वहाँ पर मैं थ्रेड के धागे की छोटी कैंची बना लेती हूँ और उसको धीरे धीरे चलाते हुए अपर लिप्स के हेयर्स क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। सो आप देख सकते हैं, पहले मैं हाफ अपर लिप्स के हेयर्स क्लीन करूँगी। सो उसी के जहाँ से हमें हेयर्स निकालने हैं उसी के जस्ट नीचे से हमें थोड़ी सी जीप को नीचे रखवानी होगी ताकि स्किन खींचे और हेयर्स इजीली वहाँ से निकल जाए। तो मैं इसी तरह थ्रेड्स की हेल्प से धीरे धीरे यहाँ के हेयर्स निकाल रही हूँ। सो गाइस, अपर लिप्स करने के लिए धागे को थोड़ा स्मूथली चलाना होगा क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव जगह होती है जहाँ पर धागे से हम हेयर्स को निकालते हैं। तो इसी तरह आप स्मूथली धागा चला के बनाएंगे तो आप अच्छे से अपर लिप्स के हेयर को निकाल पाएंगे। अब हम दूसरी साइड की तरफ की अपर लिप्स भी इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ से हल्के हल्के हेयर्स मैं निकाल रही हूँ स्ट्रेचिंग करा के, तो दोनों साइड के हेयर्स हमारे इस जगह से कंप्लीट हो जाएंगे। तब मैं हम इसका जो नेक्स्ट बीच का जो पार्ट रहेगा तो उस बीच के पार्ट के हेयर्स हटाएंगे। वहाँ की जो स्ट्रेचिंग होगी तो उस स्ट्रेचिंग को जीभ से स्ट्रेच आपको नहीं कराना है। सो वहाँ की स्ट्रेचिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको दोनों ऊपर नीचे से होंठ को दबाकर स्किन को वहाँ से स्ट्रेच करानी होगी और थ्रेड की हेल्प से धीरे धीरे जो अपर लिप्स के हेयर है वो इस तरह निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप अपर लिप्स को जब भी बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएं, इस मेथड से बनाएं, तो काफ़ी क्लियर आपकी अपर लिप्स बनेगी। आपको अपर लिप्स बनाने के लिए कोई पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में बैठ के आप अपर लिप्स को बहुत ही बिल्कुल पार्लर जैसी बना सकते हैं इस प्रोसेस से। सो अपर लिप्स के हेयर क्लीन कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर अपर लिप्स के हेयर काफ़ी छोटे छोटे हैं जो शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मुझे दिखाई काफ़ी दे रहे हैं, बिल्कुल लिप के टच में हेयर्स हैं इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थ्रेड की छोटी सी कैंची बनाते हुए बड़े ही स्मूथली तरीके से मैं धागे को चला रही हूँ, क्योंकि अगर धागे को थोड़ा बहुत भी हम अनदेखा करेंगे तो कट लगने के चांस काफ़ी होते हैं। तो केयरफुली होके आप धागा चलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप हेयर को क्लीन कर पाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपर लिप्स को बनाइए। तो लीजिए गाइस, अपर लिप्स मैंने कंप्लीट कर ली है, यहाँ के हेयर्स मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं
चिप के आगे के साइड के हेयर्स पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैल्कम पाउडर मैंने फैला लिया है ऑलरेडी। और अब मैं यहाँ पर थ्रेड के कैचे बनाते हुए जो मेरे थ्रेड का धागा है उसे नीचे से ऊपर की ओर मैं रिमूव कर रही हूँ और वहाँ से हेयर को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेयर की डायरेक्शन हमें अपोजिट, हमें थ्रेड की अपोजिट डायरेक्शन रखनी है। तो इस तरह करके हेयर्स फटाफट रिमूव हो जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं मेरा जो थ्रेडिंग का जो धागा है उसकी डायरेक्शन भी मैं हेयर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपोजिट करते हुए ले रही हूँ और वहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दूसरे चिक के हेयर्स पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी मैंने नीचे से ऊपर की ओर धागे को चलाते हुए हेयर क्लीन किए हैं। और इनके फेस पे जो हेयर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हल्के हल्के हेयर्स हैं, तो इजीली क्लियर हो रहे हैं और थ्रेड में फंसने के चांस भी नहीं है, क्योंकि हेयर्स छोटे हैं तो वो बस थ्रेड से निकलने के बाद नीचे गिर जाते हैं। तो मुझे काफ़ी बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही इनकी अपर लिप्स और फॉरहेड और चिक के हेयर्स क्लीन करने में भी। बड़े स्मूथली तरीके से मैं इनके हेयर्स, फेस के हेयर्स क्लीन कर रही हूँ। सो इनके हेयर्स काफ़ी मतलब फैले हुए हैं फेस पर, तो मैं वहाँ के हेयर्स भी लेते हुए मैं फेस के हेयर्स क्लीन कर रही हूँ। सो इसी मेथड से आप फुल फेस की थ्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो हेयर्स जब हमारे फेस कंप्लीट